भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमियां छोड़ दी थी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की जीत में। बंधुओं, आज का प्रसंग हम सबको जान लेना बहुत जरूरी है। कृपया आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। बंधुओं, टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमियां छोड़ दी थी। बंधुओं, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में महिला के कई रूप विद्वान हैं, माँ, बहन, बेटी, दादी, बुआ, मौसी और कई सारे रूप। स्त्री के कई सारे रूप हैं, वह सभी रूपों में अपने कर्तव्य निभा रही है। गुण दोस्तों प्राणी में होते हैं, हर एक प्राणी में गुण दोष यह सभी प्राणियों में ही होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष तो होता ही है, पर हमें उन दोषों को ना देखकर उनके गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष को देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वह करता भी है। इसीलिए हम वह देखें ही नहीं जो हमें करना है, पर क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारे मन की मानसिकता ऐसी ही है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भारी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क विचारों वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं, और उसी को अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को ना देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसी बीच वह संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है, यह भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। दर्शक बंधुओं, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति विश्वमार बासन होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है, इसीलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहां देवता हर समय निवास करते हैं, और जहां स्त्री का अपमान होता है उसे सताया जाता है, स्त्री को दबाया जाता है, वहां महाभयंकर दुख भी अपनी बाहें खोलकर खड़े रहते हैं, और वहां दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ न समझें। स्त्री ही पुरुष की शोभा है, स्त्री से ही घर बना है। ईंट पत्थर लकड़ी से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि उसके आने पर ही घर बनता है, बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह के
गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था, पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए विवश हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। सेवक ने भगवान से पूछ लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनर्कोट ब्रह्मांडों के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते समय तुम्हें एक क्षण भी नहीं लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह चार रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत अभावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाले रखेगी। हर प्रकार की मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा कि जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नए जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि ये स्वयं दुख सहकर रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उन्हें सहकर अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। दर्शक बंधुओं, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्यों को पूरा करने वाली बात को सुनकर के वह सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। दो आँख, दो कान, दो हाथ, पैर, नाक, कान, मुख, सब तो पुरुष की तरह ही है, फिर ये अपने दोनों हाथों से ऐसा कुछ कैसे कर पाएगी। भगवान बोले, पार्षद, यह पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए ही इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर उस सेवक ने उसे छू करके देखा कि देखिए यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छू कर देखा तो वह बहुत ही कोमल थी, तो वह एकदम से ही हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो पार्षद बोला, प्रभु, आप तो कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने यह बनाई तो बहुत ही नाजुक है, हर परिस्थिति से यह कैसे लड़ पाएगी। मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, बच, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता होगी, यह बाहर से इतनी कोमल है, अंदर से उतनी ही कठोर होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह सुनकर पार्षद के मन में उस रचना को और जानने के बारे में उत्सुकता बढ़ गई। तब सेवक कहने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह है पुरुषों की तरह सोचने भी लगेगी, या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, बस, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी,
और समस्याओं को समाधान करने के साधन भी। पालक ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना की गाल पर पानी की झलक थी। जब उसने उसके गालों को छुआ, उसके गालों पे हाथ लगाया, तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पालसद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, बस यह पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उस समय वह अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकाल कर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा इन आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और ये फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और यह इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को वह अपना अस्त्र भी बना सकती है। दर्शक बंधुओं, भगवान की बात सुनकर वह सेवक बोला, हे भगवान, आप महान हो। आपने स्त्री रूपी रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है और सच बात है बंधुओं, स्त्री का साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत में अकल्पनीय त्याग बनी हुई है और त्याग भी इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वह अपने माता पिता, भाई बहनों, सभी परिजनों से अलग रहकर किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने की प्रेरणा करती है। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए दूर हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? और वो तो वह अपने परिवार जनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने आती है, जिनके साथ वह खेली कूदी, जिनके साथ उनके अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा? और फिर एक अनजान स्थान पर जाकर जहाँ उसका कोई परिचित ही नहीं होता, वहाँ वह रहकर एक नए जीवन की तलाश करती है, एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है और उनमें ढलने का भी प्रयास करती है और उनमें अपना सुख और दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या ना रहे, पर अपने उन परिवारी जनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं, उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का वह प्रयास करती है। कई बार उनके स्वभाव का आचरण, स्त्री को अपने जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति तू, जो तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने की समर्थ दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब उदर में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद जब बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन को अनेक प्रकार से करना पड़ता है और कष्ट भी सहना पड़ता है और उसके लालन पालन के लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। वह खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचा कर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत होता है। सच में ही नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दर्शक बंधुओं, उधर भगवान का वो पार्षद बोला, हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो यह रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी
मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वह अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। यह एक दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी। जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और वह चारों दिशाओं को रोशन करता है, ऐसे ही स्त्री का जीवन है जो अपने लिए तो कम मगर दूसरों को सुखों के लिए अधिक जीता है। वह दुखों के लिए अपने सुखों को त्याग देती है और दूसरों को सुख प्रदान करती है। दर्शक बंधुओं, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार का एक अद्भुत उपहार है। वह हर गुण में परिपूर्ण है, इसीलिए ही हमें कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा ही हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिस रूप में हो। दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारे यह विचार अच्छे लगे हों तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को लाइक करना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञान की चर्चा के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।